अगर आप मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पालते हैं तो क्या यह जायज है? क्या आपके पास विधायकों का समर्थन हासिल है? इसके अलावा साल 2013 से आपके पास राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान भी रही है, तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मुख्यमंत्री भी बनाया जाए तो ये लालच नहीं तो क्या है? ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? क्योंकि आपको इस बात के प्रमाण पेश करेंगे कि आपके पास वाकई अधिकतर विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बाद कुछ और मुद्दे। अगर वो समर्थन के बगैर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि एक सत्ता के लालची नेता के तौर पर होती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि वो जिस राज्य में चाहें सरकार गिरा सकते हैं। देश की जनता तो किसी और को चुनती थी मगर आखिरकार उन्हीं की सरकार बनती थी, ऐसा हमने कई राज्यों में देखा। मगर राजस्थान में उसका मुकाबला था एक क्षेत्रीय क्षत्रप इस शख्स अशोक गहलोत से। आज जवाब मांगा जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अशोक गहलोत ने उनके योजना पर, भारतीय जनता पार्टी की साजिश पर पानी फेरने का काम किया।